वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं पूजा लूथरा। दोस्तों आज आपके साथ शेयर कर रही हूं स्किन लाइटनिंग स्किन ब्राइटनिंग एंटी एजिंग क्रीम। इस क्रीम को चाहे आप दिन में लगाइए, चाहे रात को सोने से पहले लगाइए, और चाहे आप कभी भी लगाइए, किसी भी एज में लगाइए, ये आपकी स्किन पर झुर्रियाँ नहीं आने देगी, आपके डार्क स्किन को लाइटन करेगी, डार्क पैचेज हो गए हैं, ब्राउन स्पॉट्स हो गए हैं उनको लाइटन करेगी, यानी सारे दाग धब्बों को हटा करके, टैन को हटा करके स्किन को वाइटन करेगी। तो ये है हमारी एंटी एजिंग स्किन ब्राइटनिंग क्रीम। इसे मैंने बनाया है बादाम से और मसूर की दाल से। बहुत ही अच्छा काम करती है ये स्किन को लाइटन करने में। बहुत ही लाइट वेट क्रीम है ये, सभी स्किन टाइप के लोग इसे यूज कर सकते हैं, और ये आपकी स्किन की ड्राइनेस को दूर करती है। इस मौसम में बहुत अच्छी है आपकी स्किन के लिए। तो चलिए बताती हूँ इसे कैसे बनाना है और कैसे यूज करना है। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे थम्स अप का बटन है, उसे जरूर दबा देना, क्योंकि उसी से मुझे मिलती है ढेर सारी इंस्पिरेशन आपके लिए अच्छा अच्छा काम करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो इस स्किन वाइटनिंग स्किन ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग क्रीम का जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है, दैट इज मसूर की दाल, यानी कि रेड लेंटिल। रेड लेंटिल सन टैन को रिमूव करने में और झुर्रियों को दूर करने में, साथ ही साथ दाग धब्बे हटाने में बहुत बहुत बेनिफिशियल होती है। तो मसूर की दाल तकरीबन 2 चम्मच आपको लेनी है। आपने इसे अच्छे से वॉश कर लेना है, और उसके बाद आपने लेना है 7 से 8 चम्मच रोज़ वाटर, यानी कि गुलाब जल, और मसूर की दाल को इसमें आपको भिगो के रखना है रात भर के लिए। साथ ही साथ एक इंग्रेडिएंट और ऐड करना है, और वो है बादाम, यानी कि आमंड्स। बादाम में विटामिन ई होता है ढेर सारा, साथ ही साथ ये कोलेजन बढ़ाता है, आपकी जो रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, उनके आने को रोकता है, और स्किन को सपल बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। सर्दी के मौसम में बादाम आपकी स्किन को रिजुविनेट भी करता है। तो 6 से 7 बादाम आपको लेने हैं, और आपने इनको भी दाल के साथ ही भिगो देना है रात भर के लिए। इन दोनों चीज़ों को आपको भीगने देना है अच्छे से, एंड सुबह जब आप देखेंगे तो ये दाल फूल चुकी होगी, पानी कुछ एब्जॉर्ब कर चुकी होगी, और बादाम का छिलका भी सॉफ्ट हो गया होगा। तो हम क्या करेंगे, बादाम के जो छिलके हैं वो निकाल लेंगे इस तरीके से, छिलकों को अलग कर लेंगे, क्योंकि छिलकों में टैनिन होता है और ये आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता, तो छिलके हमने अलग कर लेने हैं। अब इन दोनों चीज़ों को विद दिस रोज़ वाटर आपको मिक्सी में डाल के पीसना है, और एक बारीक सा पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल महीन पेस्ट बनाना है, दरदरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बारीक आपने फाइन पेस्ट बनाना है, और अच्छे से इनको पीस के, ये देखिए ये पेस्ट बन चुका है। अब आपको एक बाउल लेना है जिसमें हम छानेंगे इसका एक्सट्रैक्ट। तो इसके ऊपर मैंने एक कॉटन का कपड़ा बिछा दिया है, मलमल का कपड़ा भी बिछा सकते हो, या फिर आप छलनी से भी छान सकते हो, तो जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप कर लीजिएगा। अब हम ये जो दाल और बादाम और रोज़ वाटर का जो मिक्सचर हमने पीसा है, ये इसमें हम धीरे धीरे डालेंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे, और इसका एक्स्ट्रैक्ट हम निकाल लेंगे। तो बिल्कुल हमारे को फाइन पेस्ट मिल गया है, क्योंकि स्किन पर बिल्कुल भी दरदरा नहीं फील होना चाहिए, क्रीम बनानी है हमें, तो इसलिए फ़ाइन जो इसका जूस था वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब बस हमने इसमें 2-3 चीज़ें मिलानी है, वो चीज़ें क्या है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले आप मिलाएंगे 1/2 चम्मच ग्लिसरीन, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो 1 चम्मच मिलाना, नॉर्मल या ऑयली स्किन है तो 1/2 चम्मच मिलाना। ओके, तो 1 चम्मच ग्लिसरीन मिला देंगे, देन 1 चम्मच बादाम का ऑयल मिलाएंगे, जो ओरिजिनल वाला बादाम का ऑयल होता है, जो प्योर वाला होता है वो मिलाना है, डाबर का ले लीजिएगा या फिर रोगन बादाम जो आता है वो ले लीजिएगा हम दर्द का, तो दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते हो। बादाम तेल भी यू नो एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना होता है, स्किन की ड्राइनेस को दूर करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें ऐड करना है वो है 2 चम्मच एलोवेरा जेल। यहाँ मैं सैंडल वाला एलोवेरा जेल ले रही हूँ, तो इसकी अलग ही खूबियाँ होती हैं। तो एलोवेरा जेल आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है, स्किन हीलिंग प्रोसेस को स्पीड अप करता है, और ग्लिसरीन हमने डाली थी इसमें वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, डीपली हाइड्रेट करती है, मॉइस्चर को अंदर लॉक कर देती है, जिससे कि भरी सर्दियों में भी आपकी स्किन ड्राई नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को कर लेना है हमने अच्छे से मिक्स, तब तक मिक्स करना है जब तक कि एक स्मूथ क्रीम ना बन जाए। ये क्रीम हमारी रेडी है और बहुत ही प्यारी क्रीम बनी है। अच्छा, इसका जो टेक्सचर है, जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना, वो बहुत थिक नहीं होगी, लाइट वेट होगी ये क्रीम, थोड़ी सी सिरम लाइक कंसिस्टेंसी होगी। तो इस तरह से ये क्रीम बनाई है हमने। अब हम इसे एक
कंटेनर में शिफ्ट कर लेंगे, कोई भी प्लास्टिक का या ग्लास कंटेनर आप ले लीजिए। ये क्रीम आप एक महीने तक भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, डेली यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है, तो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी ये। और सर्दियों के मौसम में तो रूम टेम्परेचर पर भी ये 15-20 दिन तक आराम से चल जाएगी। ये आपकी ड्राई स्किन को सॉफ्ट बनाएगी, सपल बनाएगी, ब्राइट बनाएगी और साथ ही साथ आपके दाग धब्बे भी मिटाएगी। इसे अप्लाई कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए। तो बस इस क्रीम की थोड़ी सी क्वांटिटी आपको अपने हाथ में लेनी है, हल्का सा हाथों में ही वार्म करना है और फिर उसके बाद अपनी स्किन पर इस तरह से अप्लाई करके हल्की हल्की मसाज करनी है। इससे ये क्रीम आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी, आपकी स्किन को डीपली नरिश करेगी और एक प्यारा सा ग्लो लेकर के आएगी आपकी स्किन पर। सन टैन, दाग धब्बे सब दूर हो जाने वाले हैं इससे और स्किन आपकी वाइटन भी हो जाने वाली है, फेयर भी हो जाने वाली है। तो बहुत ही अच्छी और किफ़ायती क्रीम है ये, घर में पड़ी हुई चीज़ों से बन जाएगी आसानी से। तो इस सर्दियों में इस क्रीम को यूज़ कीजिए और अपनी स्किन की सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, थम्स अप का बटन नीचे उसे दबा देना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, जहाँ भी आप लोगों से कनेक्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर मिलूंगी आपसे एक अच्छे से हेल्थ टिप या किसी ब्यूटी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।